इसराइल हमास युद्ध अब अपने एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। जिस ताकत से इजरायली सेना ने गाजा पर आक्रमण किया था, अब वो ताकत धीमी पड़ती जा रही है, क्योंकि राफा अभी भी हमास का एक अभेद किला बना हुआ है। जिसकी गलियों में आईडीएफ खाक छान रही है, और राफा इकलौता ऐसा शहर है जहां पर आईडीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा भीषण हमले हो रहे हैं, क्योंकि रफा के भीतर गाजा के सभी छोटे बड़े प्रतिरोधी समूह अब एक साथ मिलकर इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं, जिन पर जवाबी हमला करने में आईडीएफ अब हांफने लगी है। दरअसल अब रफा के तल अल सुल्तान में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहाँ पर अल कासिम ने आईडीएफ के ऊपर हैवी मोटर गोले दागे हैं। यहाँ तक कि आईडीएफ के एक मरकावा टैंक को भी अल यासीन 105 रॉकेट से उड़ा दिया गया है। इसके अलावा अल कासिम ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने नेटजरी मैक्सिस में इजरायली सैनिकों पर एक हमले का दावा किया है। अल कासिम का कहना है कि उसने यहाँ पर 114 mm के कैलिबर रॉकेट दागे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके पहले तो रॉकेट्स को लॉन्चर में फिट कर रहे हैं, उसके बाद उनको फायर कर देते हैं। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच अलकुस ब्रिगेड ने भी नेटजरी मैक्सिस में आईडीएफ के सप्लाई रूट पर मोटर गोलों से हमला किया है। अलकुस का कहना है कि उसने करेम अबू सलेम और सूफा में भी आईडीएफ की चौकियों पर हमले किए हैं। इसी दौरान अलकुस ने राफा के साउद तल अल सुल्तान पश्चिम में आईडीएफ के कमांड सेंटर पर 107 रॉकेट्स और गोले दागे हैं। हालांकि जब ये हमले हो रहे थे, उस वक्त अलक्सा ब्रिगेड ने भी दक्षिणी तल अल सुल्तान में मोर्चा संभाल लिया था। यहाँ पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, तभी अलक्सा ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अलक्सा ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसके लड़ाके लॉन्चर्स में पहले तो रॉकेट फिट करते हैं और उसके बाद उन्हें दनादन फायर कर देते हैं। वही मुजाहिदीन ब्रिगेड ने भी नेटजरीम में कई रॉकेट से आईडीएफ पर हमला किया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई रॉकेट्स एक साथ फायर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलकुस ब्रिगेड ने भी अबू मुत्तबेक मिलिट्री चौकी पर एक साथ कई गोले दागे हैं। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हमास के लड़ाके हरियाली के बीच रॉकेट फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी जगह पर अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ की किसुफिम साइट पर 107 mm के रॉकेट फायर किए हैं। अल कासिम के इस वीडियो में ये रॉकेट साफ नजर आ रहे हैं, जिन्हें हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ तरीके से फायर कर रहे हैं।